हमारे दिन की शुरुआत एक अच्छे प्रोटीन सोर्स से होनी चाहिए। ऐसे बहुत से प्रोटीन सोर्स हैं जैसे कि दाल, चना, दूध, पनीर इत्यादि। और ऐसे ही आज प्रोटीन सोर्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सोयाबीन। सोयाबीन के भी आगे और कई सोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जैसे कि सोया चंक, सोया पनीर जिसे टोफू कहते हैं, सोया मिल्क, सोया शेक इत्यादि। तो अगर हम रॉ सोया देखें तो उसमें 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है 100 ग्राम में। अगर सोया चंक्स देखें तो 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है सोया चंक्स में। और वहीं हमें अमीनोज भी मिल जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है और आयरन भी मिल जाता है। और इसी तरह से और कई न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं सोयाबीन में। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम डेली सोयाबीन का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। एक तो मैंने पहले आपको बता दिया कि बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी कि इसमें प्रोटीन हमें ज़्यादा मिलता है। और अगर आप वेज हैं या वीगन हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही सौदा है ये। तो वेज सोर्स के लिए एक अच्छा सोर्स ये बन जाता है और आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस रहता है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है। सोया के सेवन करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, और जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको फाइबर भी मिल जाता है। अगर आपका पेट खराब रहता है या फिर फाइबर की कमी है बॉडी में, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो फाइबर भी उचित मात्रा में मिल जाता है जिससे कि डाइजेशन अच्छा रहता है। दोस्तों सोयाबीन आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है, क्योंकि इसमें 30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं जो कि वेट बढ़ाने में फ़ायदा देते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट पर जाना पड़ेगा, और अगर नीड पड़े तो सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं प्रोटीन की नीड के लिए। तो वेट मैनेजमेंट में आपका ये साथ दे सकता है। तो अगर आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा सोर्स ये बन सकता है। ये आपकी हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो इसमें नेचुरल कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है और बोन डेंसिटी बढ़ाने का भी काम करता है। आजकल आपने सुना होगा कि लड़कों को सोया प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन की मात्रा होती है। अगर एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लड़कियों के ये स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ाता है। अगर आपका चेस्ट साइज़ छोटा है, उसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत बढ़िया फ़ायदा देता है। एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन रखता है, तो महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया सोर्स है ये। अगर मर्द चाहें तो 25 से 30 ग्राम तक इसका प्रोटीन ले सकते हैं। आयरन का भी उचित सोर्स है। आजकल आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी गई है, खास करके महिलाओं में। तो आयरन की कमी के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं जिससे कि आयरन की कमी पूरी होती है। दोस्तों सोया प्रोटीन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ज़्यादातर सोया प्रोटीन एशियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोरिया, चाइना वगैरह। तो उनकी स्किन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है, फाइन लाइंस वगैरह नहीं होती और रिंकल्स को भी ये दूर करता है, तो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं सोया प्रोटीन के। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। एक है कि कुछ लोगों को सोया से एलर्जी है, तो अगर आपको भी इसकी एलर्जी है तो आप इसका सेवन ना करें। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि पुरुषों को ये ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, वैसे कर सकते हैं। अगर आप डेली इसका 100 ग्राम तक सेवन करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तब भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सेवन करने से आपके डाइजेशन भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये गैस और ब्लॉटिंग भी करता है। तो ये सारे फ़ायदे और नुकसान हैं सोया प्रोटीन के। सोया चंक्स ले लीजिए, सोया पनीर ले लीजिए, चाहे आप कोई भी सोर्स खाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।